स्क्रीन शेयर हो रही है? जी स्टार्ट हो गई है होने। ओके, सो अभी जी हम पढ़ रहे हैं जी। कल हमने देखा था जंगल स्काउट के थ्रू के जंगल स्काउट के थ्रू हम किस तरह क्राइटेरिया को मैच करते हैं और एक विनिंग प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करते हैं। हमने 12 क्राइटेरियाज जो हैं वो एक प्रोडक्ट एक कीवर्ड पे मैच किए थे, और अगर तो वो फुलफिल कर जाते हैं 12 के 12 क्राइटेरिया उस कीवर्ड पर, तो देन वो कीवर्ड हमारे लिए एक विनिंग प्रोडक्ट होती है जिसको हम इजीली अमेजोन पे लॉन्च कर सकते हैं, या फिर आप एज ए वीए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको डेफिनेटली सेल आउट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि Helium 10 जो है वो, मैंने कल आपको बताया था कि ये दोनों टूल की एक्सटेंशन हमने कैसे डाउनलोड करनी है, और इसके अलावा ये डेफिनेटली टूल प्रोवाइडर भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो आपको सेट करके देंगे जी। नेक्स्ट ऑनवर्ड हम मूव करते हैं कि Helium 10 के जरिए एक विनिंग प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और क्राइटेरिया को मैच करते हुए। अभी देखिए, मिसाल के तौर पर मैंने ऑलरेडी एक कीवर्ड राइट किया हुआ है अमेजोन की सर्च बार में, योगा मैट। अभी सबसे पहले जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है ना, तो उससे पहला आपने अपने माइंड में क्या स्टेप रखना है, ये वाला डिलीवर टू की जगह। अभी आप जब करेंगे ना amazon.co.uk या amazon.com का पेज ओपन करेंगे, और ये इट्स अप टू यू कि आप किस मार्केट प्लेस में जो है वो प्रोडक्ट हंट करने जा रहे हैं। अगर मैं यूके में करने जा रही हूँ तो डेफिनेटली मैं गूगल पे amazon.co.uk राइट करूंगी और इस पेज पे आ जाऊंगी जो कि amazon.uk का पेज है। अभी बेसिकली क्या है कि मैंने एक कीवर्ड ऑलरेडी मेरे माइंड में आ गया हुआ था। अभी ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि मुझे ये कीवर्ड कहाँ से मिला। मैंने बहुत सारे कीवर्ड के आइडियाज आपके साथ शेयर किए हुए हैं। अभी लेट्स सी कि मुझे ये माइनस स्ट्रिंग मेथड से ये योगा मैट जो है वो फाइंड आउट हुआ कीवर्ड। अभी सबसे पहले आपने क्या करना है कि कीवर्ड को एंटर करने से भी पहले जब आपने पेज ओपन करना है ये अमेजोन वाला, तो आपने सबसे पहले जो है ना डिलीवर टू की जगह आपने एक डिलीवर टू की जगह आपने जो है ना वो राइट किया होगा पाकिस्तान। अभी नो डाउट के पाकिस्तान में ये आ चुके हैं अमेजोन। अगर आप पाकिस्तान में करना चाहोगे करने जा रहे होगे, आगे आगे काम डेफिनेटली पाकिस्तान में भी आएगा, तो वो फिर पाकिस्तान के मुताबिक आपको पोस्टल कोड एंटर करना होगा। लेकिन अभी आप यूके और यूएसए में करने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ पे, मैंने कल भी आपको बताया था कि पोस्टल कोड को कैसे ऐड करते हैं, आपने किसी भी मार्केट प्लेस का पोस्टल कोड जो है वो गूगल पे टाइप करना होता है, और जब आप गूगल पे टाइप कर लेते हैं ना तो नीचे एक बहुत सारे यूके में आप राइट करेंगे गूगल पे पोस्टल कोड ऑफ यूके, देन आपके पास नीचे जो है वो बहुत सारे यूके के कंट्रीज के पोस्टल कोड आपके पास आ जाएंगे। आपने उनमें से किसी एक को कॉपी करना और यहाँ पे आके डिलीवर टू की जगह आएंगे ना तो आपने पेस्ट करके अप्लाई पे क्लिक करना है, और मैंने कल के प्रीवियस लेक्चर में ये आपको बताया हुआ है। तो आपने जब यूके वाले और एग्जैक्ट यूके वाला पेज जो है ना अमेजोन का ओपन हो जाएगा। अभी देखिए, मैं इस पे ज्यादा फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग पे बिगनर के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, ये उनको नहीं आइडिया हो सकता और बहुत ज्यादा वो मिस्टेक कर लेते हैं। तो अभी डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप ही आपका गलत है, तो आप कैसे प्रोडक्ट को फाइंड आउट करोगे? सो आपने ये डिलीवर टू को नहीं भूलना। सेकंड स्टेप आपका ये है कि आपके पास अब आ चुका है कीवर्ड। अब आपने क्या करना है, उस कीवर्ड को यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है? मैंने कहा, कल भी कहा था, आल को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है? अभी आपने क्या करना है कि अमेजोन की सर्च बार में योगा मैट, मेरे पास एक कीवर्ड आ चुका था योगा मैट, मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट किया या राइट किया तो सर्च पे क्लिक किया। अभी ये देखिए, आपके पास नीश ओपन हुई जो कि योगा मैट, फर्स्ट पेज ओपन हुआ योगा मैट के सेलर्स का। बहुत सारे सेलर्स जो हैं इस कीवर्ड को सेल आउट कर रहे हैं। अभी मैंने क्या किया कि कल मैंने हमने जेएस के थ्रू पढ़ा था कि जंगल स्काउट को रन करके तो हम किस तरह क्राइटेरिया को मैच करते हैं। आज हम देख लेते हैं जी Helium 10 को। अभी ये देखें, आपको नजर आ रहा है ना Helium 10 जो है वो इस तरह का आइकॉन होता है। आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। अभी आपने क्या किया कि Helium 10 पे क्लिक किया ना, देन और आपके पास जो है वो ये देखें योगा मैट जो है वो उसका सारा फर्स्ट पेज नीश जिसको हम कहते हैं, उसके नीश का सारा डाटा उन्होंने दे दिया कि फर्स्ट पेज पर जितने सेलर बैठे थे ना वो किस तरह से सेल आउट कर रहे हैं और किस किस प्राइस में सेल आउट करने जा रहे हैं, और यानी सारी डिटेल आपको आपके सामने है। अब हमने इसको क्राइटेरिया पर कैसे मैच करना है वो देखेंगे।
अच्छा जी, अभी हम देखने जा रहे हैं कि कल मैंने यूके के क्राइटेरिया पे ज्यादा फोकस किया था, आज हम यूएसए का देख लेते हैं और देखते हैं कि हमने हीलियम 10 के थ्रू कैसे करना है ये काम। अभी ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये आपने कॉर्नर पे कर्सर को लाना है और इसको इस तरह से ड्रैग कर देना है, क्योंकि स्टार्ट पे हैं आप और मैं ए टू जी आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह से चलना है। अभी लेट्स सी कि ये हमारे पास हीलियम 10 का डैश, हीलियम 10 ने जो है वो फर्स्ट पेज पे जितने सेलर भी सेल आउट कर रहे थे ना, उनका डाटा एक्सट्रैक्ट करके हमें बता दिया। अभी बेसिकली क्या है कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पे, कल भी हमने जंगल स्काउट में देखा था ना कि प्राइस, अभी प्राइस देख लेते हैं जी। यूएसए मार्केट प्लेस के लिए जो प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए, 14.99 से 39.99, ठीक है। अभी ये देखें आप टॉप 10 में, और यहाँ पे भी आपने क्या करना है कि रेवेन्यू पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। हमने हाई टू लो सेलर को फाइंड आउट करना है और हमारा कंपटीशन उनके साथ होना है जो कि सबसे ज्यादा यहाँ से सेल जनरेट करके और रेवेन्यू जनरेट करके लेके जा रहे हैं। अभी हमने क्या किया कि सबसे पहले रेवेन्यू पे डबल क्लिक करके सॉर्ट आउट कर लेना आपने, और उसके बाद आपने क्या करना है कि फर्स्ट जो है वो आपका प्राइस पे आपने फोकस करना है कि प्राइस वाला क्राइटेरिया आइदर मैच हो रहा है। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मेरे आवाज कट रही है मेरी? मेरे तक तो आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप लोगों को कोई नेट का इशू है शायद? मैं आज नहीं, नहीं आया मैं नहीं आपके क्लास। नहीं सर, थोड़ा नहीं, इशू आ रहा है। मैम की भी आवाज बहुत ज्यादा कटअप हो रही है बार बार में। मैंने इसीलिए ज्वाइन किया क्लास कि मैंने कहा देखूं जरा नेट का इशू है क्या है कितना है, लेकिन मेरे तक तो बिल्कुल सर आपकी आवाज सही आ रही है बिल्कुल। मैम का थोड़ा इशू आ रहा है। आपकी वॉइस बिल्कुल सही आ रही है। जी आई थिंक मैम के इंटरनेट का प्रॉब्लम है। मैम आप ऐसा करें, आप ना फिर हेडफोन यूज ना करें, बगैर हेडफोन के पढ़ाएं। सर बगैर हैंड फ्री के ही मैं पढ़ा रही हूँ, हैंड फ्री तो मैं लगाती नहीं हूँ अभी। सारी लेकिन देखने वाली बात है कि अगर सर को क्लियर आ रही है तो फिर सभी को आनी चाहिए ना, तो पता नहीं क्या इश्यू है, लेकिन ये बीच में से डिस्ट्रैक्ट होती है और फिर ठीक हो जाती है। सो थोड़ा बियर करें, इंशाल्लाह ये हो जाएगा ठीक। चलें जी, अभी आपने थोड़ी देर तक मुझे कंफर्म करना है कि आवाज क्लियर है आपको कि नहीं। जी क्लास, अभी भी वही मसला आ रहा है। ये काइंडली अपने माइक म्यूट करें मैम क्लास। आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्लास अपने माइक म्यूट कर लें और एक स्टूडेंट जो है मुझे कंफर्म कर दे कि आदर मेरी आवाज मैम क्लियर आपकी है आवाज कि नहीं आ रही है, कटिंग बहुत हो रही है। आवाज की कटिंग हो रही है। ये सबको प्रॉब्लम आ रही है या सिर्फ एक दो स्टूडेंट को ही आ रहा है, ये कंफर्म करें क्लास। वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा तो इसीलिए फिर जूम पे कनेक्ट कर रहे हैं क्लासेस। तो लेकिन इतना इशू आ नहीं रहा मेरी तरफ तो। मैम की आवाज क्लियर आ रही है, पता नहीं फिर आपके साथ क्यों इस तरह से हो रहा सर अभी काइंडली सर आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन मैम आप मैम ऐसे की वॉइस करें कि अपने जो है ना कि वाईफाई से मतलब कि बाकी डिवाइसेस को लॉग आउट कर दें, बाकी डिवाइसेस को ऑफ कर दें, देन फिर जो है कि लैपटॉप को ही रहने दें। जी सर, बाकी जो है वो सारे डिस्कनेक्ट किए हैं मैंने, तो अभी भी नहीं आ रही स्टिल। सही है।
मैम अभी भी बकर कटिंग हो रही है आवाज के अंदर, बाकी सब कुछ डिस्कनेक्ट है, लेकिन ये मैं कंफर्म करना चाह रही थी, बाकी सब सारे स्टूडेंट्स को ऐसा ही है जैसे हम सब बता रहे हैं। जी मैम आपकी आवाज जो है ना काफी हद तक जो है वो कट हो रही है, सर की आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है लेकिन आपकी आवाज बार बार कट हो रही है, आप जो बात करती हैं तो उसकी सिर्फ एंड से या स्टार्ट से समझ आती है, दरमियान से कुछ समझ नहीं आती। ये मैं साथ की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, इट्स कांस्टेंटली गेटिंग डिस्टॉर्टेड, और तौसीफ साहब की आवाज बिल्कुल सही आ रही है। मैम अब आवाज ठीक आ रही है, इंशाल्लाह आप स्टार्ट करें लेक्चर। चलें ठीक है जी, स्टार्ट कर लेते हैं, और अभी स्टिल ये प्रॉब्लम हुआ तो फिर बताइएगा, दोबारा मैं कनेक्ट करवा दूंगी। जी ओके, जी ओके, थैंक्स। अभी आ रही है, ठीक है, अभी आ रही है आवाज। क्लास ये अपने माइक म्यूट करें, ये पीछे से बैकग्राउंड जो वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रहा है। चलें जी स्टार्ट करते हैं, और अभी स्टिल अगर प्रॉब्लम आपको फील हुआ तो फिर नो इश्यू, वो दोबारा मैं आपको ज्वाइनिंग करवा लूंगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन शेयर हो रही है सबसे? यस मैम हो रही है शेयर। चलें जी ठीक है। अच्छा जी, प्रीवियस लेक्चर में मैं बता रही थी कि हमने जंगल स्काउट के थ्रू देखा था एक विनिंग प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरह हम क्राइटेरिया पे मैच करते हैं। अभी हम देखते हैं जी हीलियम 10 को, हीलियम 10 का टूल जो है उसको किस तरह हम यूज करते हैं और किस तरह हम एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए एक विनिंग कीवर्ड को क्राइटेरिया पे मैच करते हुए एक विनिंग कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी देखें जी, अगर कल मैंने बात की थी यूके के क्राइटेरिया पे ज्यादा फोकस किया था, आज हम यूएसए का क्राइटेरिया देख लेते हैं और साथ हम हीलियम 10 का यूज देखेंगे। अभी अगर हम बात करते हैं ना प्राइस की, सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। सो प्राइस जो है वो कितनी होनी चाहिए यूएसए मार्केट प्लेस के लिए, 14.99 से 39.99। अभी ये देखें, सबसे पहले जब आपने एक कीवर्ड के ऊपर हीलियम 10 या जंगल स्काउट को रन करना है ना, यहां से आपने क्लिक करके रन करना है, तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले रेवेन्यू पे डबल क्लिक करना है, ओके, और ये हाई टू लो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लाइक सबसे हाई फाई रेवेन्यू लेने वाला सेलर जो है ना वो टॉप पे आ जाएंगे और लो रेवेन्यू लेने वाले बॉटम पे चले जाएंगे। अभी देखिए हमारा कंपटीशन उनसे होना है जो अच्छी खासी सेल और अच्छा खासा रेवेन्यू लेके जा रहे हैं, सो इसलिए हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। अभी बेसिकली क्या किया कि सबसे पहला स्टेप आपने जब जंगल स्काउट या हीलियम 10 को रन करना है तो आपने रेवेन्यू को सॉर्ट आउट करना है। सेकंड स्टेप आपका ये होना चाहिए, फिर आपने इनको मैच करना है क्राइटेरिया पे। अब क्राइटेरिया प्राइस का देख लेते हैं जी, प्राइस का यूएसए मार्केट प्लेस के लिए मैंने बताया 14.99 से 39.99 के दरमियान होना चाहिए। अभी आपको नजर आ रही है एक सेलर 21 का जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, एक 19 का ऑनवर्ड 16, ये सारे जो है ना ये सारे के सारे ये किस रेंज में आ रहे हैं, 14.99 से ऑनवर्ड 39.99। एक दो सेलर जो है ना एक्सेप्शनल है, और ये देखिए अभी आपने क्या करना है, ये लिस्टिंग डिफरेंट है, लाइक नहीं ये योगा मैट ही है, ये लिस्टिंग के अंदर ही है, लेकिन क्या है कि मैंने कल भी आपको बताया था एक दो सेलर का एक्सेप्शन आप कर सकते हैं, लाइक एक दो अगर क्राइटेरिया पे मैच नहीं हो रही चीज तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, रेदर देन कि आपने टॉप 10 के साथ आपने कम्पीट करना होता है, सो टॉप 10 का आप इसलिए फोकस करते हैं, लेकिन इतना भी बाउंड नहीं अपने आप को करना कि एक दो अगर वो आ रहा है ना तो हम उसको कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने देखा कि प्राइस जो है वो इसी जो क्राइटेरिया यूएसए का है क्राइटेरिया उसी के रेंज में आ रही है। अभी आपने क्या करना है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या था, सर्च वॉल्यूम। अच्छा, सर्च वॉल्यूम जो है ना वो सर्च वॉल्यूम जो है वो 10,000 से ऊपर होना चाहिए। अब यूएसए मार्केट प्लेस के लिए 10,000 से ऊपर होना चाहिए, नो डाउट। ये योगा मैट इतना हाई फाई, ये देखने से आपको कीवर्ड नजर आ जाता है कि ये कीवर्ड ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा इन डिमांड है, और इसका कंपटीशन भी डेफिनेटली उसी लिहाज से होगा। आप यहाँ से रिव्यू देख सकते हैं, 8,000 रिव्यू के साथ वो बैठे हैं, इसके अलावा 1,000 लाइक रिव्यू है ना वो कुछ सेलर्स के 1,000 से ऊपर जा रहे हैं, इसमें ये कंपेटिटिव प्रोडक्ट।
अभी देखें लाइक ये कीवर्ड है और सर्च वॉल्यूम जो है वो 10,000 से ऊपर होना चाहिए यूएसए मार्केट प्लेस के लिए, लेकिन हमने देखा कि ये जो है ना सर्च वॉल्यूम जो है वो 54,000 समथिंग है. इट्स मीन बहुत अच्छा है. और एक एक और चीज ऐड करती जाऊं कि कीवर्ड जब भी आपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है ना तो 50 से ऊपर वाली 50 सर्च वॉल्यूम से ऊपर वाले कीवर्ड जो होगा ना वो एक्सपेंसिव सेल करना है, वो लो सेल नहीं आपने करना लो प्राइस में. अच्छा अभी यहाँ पे हम देख रहे थे कि प्राइस देखा, प्राइस का देखा हमने क्राइटेरिया पे मैच करते हुए, इसके अलावा सर्च वॉल्यूम देखा. नेक्स्ट ऑनवर्ड हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया पे जो कि रेवेन्यू है, जो कि यूएसए मार्केट प्लेस की बात करें तो 10,000 डॉलर से ज्यादा होना चाहिए. आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना अच्छा रेवेन्यू लेके जा रहे हैं. लाइक अगर लास्ट वन की बात करें तो वो भी 10th सेलर भी 13 से अबव लेके जा रहा है और हमने बात की थी 10,000 से अबव होना चाहिए. ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जो कि रेवेन्यू इतना अच्छा लेके जा रही है. अच्छा हर एस्पेक्ट को हमने देखना होता है. अगर 12 के 12 क्राइटेरिया में से 11 क्राइटेरिया फुलफिल कर गए और एक क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा तो हम वो प्रोडक्ट फ्लॉप होती है, वो सेल आउट नहीं कर सकते हम. अच्छा नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ऑनवर्ड हम मूव करेंगे कि सेल जो है वो 500 से पर मंथ 500 से ज्यादा होनी चाहिए. अब ये देखिए सेल इतनी अच्छी है, इसकी सिर्फ एक दो एक्सेप्शन आ रही है, एक 300 से ज्यादा या एक जो है बाकी सारे 500 से ज्यादा सेल लेके जा रहे हैं. इट्स मीन ये भी हमारा क्राइटेरिया मैच कर गया. इसके अलावा ऑनवर्ड अगर मूव करें तो सीपीआर 8 डेज गिव अवेज. मैंने कल आपको सीपीआर 8 डेज गिव अवेज का बताया था आपको, आज फिर मैं बता दूंगी इसको क्या है कि इसको लास्ट में मैं आपको इसके बारे में ना इन डिटेल में बताती हूँ. नेक्स्ट अमेजोन मस्ट नॉट बी अ सेलर. अब बेसिकली अमेजोन की अगर हमने बात की थी तो अमेजोन सेलर नहीं होना चाहिए, वो हमने सेलर्स में जाके देखा था. अच्छा जी ये देखें ये सेलर्स में आपने क्या देखना है कि अमेजोन जो है ना वो मैंने कल भी बात की थी कि अमेजोन जो है ना वो टॉप 10 में 3 से ज्यादा दफा नहीं होना चाहिए. अभी यहाँ पे आई थिंक सो अमेजोन नहीं नजर आ रहा बिकॉज सेलर टाइप नहीं नजर आ रहा क्योंकि फिल्टर जो है वो लगाना पड़ेगा. अच्छा जी आपको ये नजर आ रहा है ना FBA और सारे जो है सेलर टॉप 10 के सेलर जो है वो FBA हैं. और मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर Amazon टॉप 10 में 3 दफा आ रहा है तो वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर Amazon जो है वो Amazon जो है वो टॉप 5 में अगर 2 दफा आ रहा है तो फिर भी ठीक है, अगर 3 दफा ही टॉप 5 में आ गया ना तो हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल टॉप 10 में 3 दफा Amazon आ सकता है. सो उसके बाद ये भी कंफर्म हो गया. और FBA जो है अगर सारे के सारे सेलर FBA कर रहे हैं तो इट्स मीन हमारे लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, एज अ FBA ही हम Amazon पे जाएंगे. सो ये प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छी और ये भी क्राइटेरिया मैच कर गया. नेक्स्ट ऑनवर्ड क्या है कि सीजनल आइटम नहीं होनी चाहिए. मैंने कल भी आपको सीजनल की बात की थी कि सीजनल आइटम से मुराद कि कुछ ऐसी चीज. अब ये योगा मैट है देखने से नजर आ रही है ये सीजनल नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई गर्मी में यूज करेगा और सर्दियों में नहीं यूज करेगा, ये फॉर एवर प्रोडक्ट है जो कि थ्रू आउट द सीजन चलने वाली प्रोडक्ट है, थ्रू आउट द ईयर चलने वाली, सॉरी सीजन नहीं थ्रू आउट द ईयर चलने वाली प्रोडक्ट है. और प्रोडक्ट को देखते ही आपको आइडिया हो जाता है कि ये सीजनल है या नहीं. सो उसके बाद जब मैं ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगी कि सीजनल ग्राफ कौन से होते हैं, ट्रेंडी ग्राफ कौन से होते हैं, और जो मैंने आपको बताया था रेगुलर ग्राफ जो कि 2500 ऑनवर्ड ऊपर हों वो बहुत अच्छे ग्राफ होते हैं, और ग्राफ की डिफ्रेंसिएशन मैं लास्ट पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ. अभी नेक्स्ट ऑनवर्ड क्या है क्राइटेरिया के ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए. अभी यहाँ पे भी आप देखें जी ब्रांड डोमिनेंसी की बात की है तो उन्होंने किस तरह की है कि ये आपको नजर आ रहे हैं ना ब्रांड, ये देखें इनमें से कोई भी ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, यानी कि एक ब्रांड 2 दफा नहीं रिपीट हो रहा, एक ये चीज. दूसरी ये चीज कि कोई भी ब्रांड ऐसा है जो कि रेवेन्यू को बहुत कंसिडर किया जाता है कि क्या एक ब्रांड ऐसा बैठा है जो कि रेवेन्यू अच्छा खासा लेके जा रहा है और बाकियों को दे ही नहीं कुछ रहा,
ऐसा कोई भी केस नहीं है यहाँ पे। देखिए अगर लेट्स सी कि अगर 10,000 से रेवेन्यू ऊपर होना चाहिए तो बाकी सबका 10,000 से ऊपर है तो ठीक है, इट्स मीन के वेल एंड गुड है। और अभी हाँ ठीक है, ये ठीक है प्रोडक्ट ना उस लिहाज से कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है। ब्रांड डोमिनेंसी इन एक्चुअल ब्रांड डोमिनेंसी दो तरह से होती है। एक तो ये चीज कि अगर एक ही ब्रांड जो है वो 3 दफा प्रोडक्ट की शेप या साइज या कलर चेंज करके सेल आउट कर रहा है, एक तो ये होता है। दूसरी ब्रांड डोमिनेंसी की टाइप इस तरह से आ जाती है कि एक ब्रांड इतना 1 लाख प्लस या इतना हाई फाई रेवेन्यू लेके जा रहा है और बाकियों को वो नहीं दे रहा, तो इट्स मीन कि वो ब्रांड डोमिनेंसी है और उस प्रोडक्ट में भी हम नहीं जाते क्योंकि वहां पे हमारा कम्पीट करना एज अ न्यू सेलर बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी अगर हम बात करें ट्रेंडी प्रोडक्ट की तो ट्रेंडी प्रोडक्ट भी आपको देखने से नजर आ जाती है और ये फॉर एवर प्रोडक्ट है, ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं है। अभी ट्रेंडी प्रोडक्ट तो यही होती है ना जो लाइक मिसाल के तौर पर क्रिसमस कुशन कवर है, तो ये ट्रेंडी प्रोडक्ट हुई। और मतलब इस तरह ये देखें लाइक ये कोरोना के सीजन में ये जो मास्क वगैरह, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको प्रोडक्ट के कीवर्ड ही बता देता है कि आइदर ये सीजनल है, ट्रेंडी है या किस प्रोडक्ट है। उसके अलावा हमने देखा था अमेजोन शुड नॉट बी अ डोमिनेंट, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। प्रोडक्ट का साइज जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्रोडक्ट का साइज जो है वो स्टैंडर्ड होगा। योगा मैट की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये स्टैंडर्ड में है, इतना बड़ा नहीं है। और लाइक जिस तरह के क्लीन होते हैं या जिस तरह के दूसरी चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा हैवी में वो लाइक वेट उनका बहुत हैवी हो जाता है, सो इस तरह की। और मैंने कल भी आपको बताया था ना कि वुमेन किचन को हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आती है ना वो बहुत मतलब लाइट इन वेट होती हैं और शिपमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ब्रेकेबल भी नहीं होती, और इवन डैट स्मॉलर प्रोडक्ट के लिए अमेजोन को एक्स्ट्रा फीस या चार्जेस भी पे नहीं करना पड़ते हमें। अच्छा नेक्स्ट ऑनवर्ड क्या है कि नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या था कि रिव्यूज। अब रिव्यूज जो है ना वो यूके यूएसए के लिए अगर हम बात कर रहे हैं ना तो ये देखें रिव्यूज आपको नजर आ रहे हैं ना, ये रिव्यू काउंट मैंने सबसे पहले रेवेन्यू को सॉर्ट आउट किया था, ये आपने कभी नहीं भूल। अच्छा रिव्यू को सॉर्ट आउट किया, रिव्यू को सॉर्ट आउट नहीं करना, रेवेन्यू को किया। और रिव्यूज आपको नजर आ रहे हैं जी, अगर ये 69 समथिंग डॉलर्स जनरेट कर रहे हैं तो इट्स मीन के रिव्यू इसके कितने हैं 8,000, यानी कि इतने हाई रिव्यू के साथ वो चल रहा है और रेवेन्यू भी फिर अच्छा ही आ रहा है उसको। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, ये टॉप वाली लाइन को नहीं आपने देखना। जंगल स्काउट में भी मैंने आपको ये बताया था कि ये टॉप वाली लाइन को आपने बॉदर नहीं करना, आपने जस्ट इन चीजों पे फोकस करना है जो रोज बने हुए हैं, लाइक प्राइस के डिफरेंट क्राइटेरिया बताए हुए। अच्छा रिव्यू काउंट की अगर हम बात करें ना तो रिव्यू काउंट में आपने क्या करना है, सबसे पहले टॉप 10 वाले रिव्यूज को प्लस करना है और 10 पे डिवाइड करना है, ठीक है। जो आंसर आएगा वो आपका यूएसए मार्केट प्लेस के लिए 1500 से कम होने चाहिए और यूके मार्केट प्लेस के लिए 1000 से कम होने चाहिए। कल मैंने वैसे ज्यादा फोकस किया था यूके मार्केट प्लेस के लिए। अभी रिव्यू काउंट भी हो गए, सर्च वॉल्यूम आपको यहाँ से पता चल गया, ठीक है। सो ये तमाम आपने देखा कि ये क्राइटेरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये लिस्टिंग क्रिएशन आप देख लीजिए, लिस्टिंग क्रिएशन। अब लिस्टिंग क्रिएशन ये डेट भी आपने याद रखनी होती है क्योंकि देखें अभी आपने काइंडली कंफर्म करें सबको आवाज क्लियर है मेरी। जी जी क्लियर ना, जी मैम क्लियर है, ठीक है। अच्छा अभी आपने ये देखना है कि लिस्टिंग डेट जो है वो कब से ये प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, लाइक इन्होंने लिस्टिंग तो क्रिएट की हुई है अमेजोन पे एज अ न्यू सेलर जब भी आए थे तो कब आए थे और इनको कितना अरसा हो गया अमेजोन पे काम करते, और ये हमें लिस्टिंग क्रिएट डेट पे पता चल जाता है। और उधर भी जंगल स्काउट में भी ये आपको रेवेन्यू के पास ही नजर आ रहा होता है, ठीक है। अभी ना ये देखें ये 2021 में अभी ये एन ए आपको नजर आ रहा है ना, तो इट्स मीन के ये डाटा फेच सही तरीके से नहीं हुआ पड़ा, यानी कि ये टूल इस टाइम पे इसने ये डाटा फेच अच्छे तरीके से नहीं किया। और इससे आपने घबराना नहीं है कि लाइक मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ये सबके साथ प्रॉब्लम आ जाता है, डेफिनेटली टूल्स हैं और कभी नेट का प्रॉब्लम, कभी कोई इश्यू, कभी कोई इश्यू। सो आपने क्या किया कि क्रिएशन डेट में आपने क्या बॉदर करना है इस चीज को कि 2021 में मार्च में यानी ये सेल कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि न्यू लिस्टिंग है।
अच्छा, आपने इस चीज से आपने याद रखना है कि ये 6 मंथ हो गए हो इसको अमेजोन पे सेल आउट करते। टॉप 10 में जितने भी सेलर बैठे हैं ना, उनका जो लिस्टिंग क्रिएशन या लिस्टिंग डेट है वो अमेजोन पे, वो 6 मंथ होनी चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ होगी ना, तो इट्स मीन कि आप एज अ न्यू सेलर उसमें जंप कर सकते हैं। और 6 महीने का रिकॉर्ड आपके सामने टूल बता रहा होता है, जो कि आपको सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं भाई, ये 6 महीने से इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और ये आपने इसको भी बहुत ज्यादा कंसीडर करना है कि 6 मंथ एटलीस्ट होने चाहिए। अच्छा, अब इसका हिसाब लगाएं, ये 3 मंथ है, मैंने कहा ना फ्लेक्सिबिलिटी आपने रखनी है, 1-2 सेलर की फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन मैक्स 3 की भी हो सकती है, लेकिन 3 से ज्यादा होगी तो वो प्रोडक्ट आप छोड़ देंगे। अभी आपने ये देखा कि 2020 में है, लेट्स सी मिसाल के तौर पर ये एन भाई भी 2020 के होंगे, ये भी 2020 के, इट्स मीन कि इन्हें एक एक साल या 6-8 महीने तो एवरेज के हिसाब से हो ही गए हैं, इट्स मीन ये प्रोडक्ट अच्छी है। अभी कैटेगरी आपने स्पोर्ट एंड आउटडोर, बाकी जितनी चीजें मैंने आपको बताई है ना, जस्ट उन पे आपने फोकस करना है, क्राइटेरिया को मैच करना है, बाकी ये जो बाकी चीजें ना, डायमेंशन, ये चीज, वेट, ये इतना आपने बॉदर नहीं करना। अच्छा, वेट की मैं बात बता दूं आपको, वेट है ना जी क्लास, मैं क्वेश्चन था, देखिये क्वेश्चन जो है ना वो आपके, आप अपने पास नोटबुक रखा करें और काइंडली ये क्वेश्चन जो है ना इंशाल्लाह हम एंड पे लिया करेंगे। देखें अभी ये कंफर्म, ये हो जाए मेरा क्लियर, इंशाल्लाह फिर आपके सबके क्वेश्चन होंगे और अलहदा से सेशन हुआ करेगा एक क्वेश्चन के लिए आपके ना, क्वेरीज जो भी आपकी हुआ करेंगी। सो काइंडली मैं आपको अभी बता रही हूँ कि आपने क्या करना है, डायरी पे राइट करके रखा करने है और इंशाल्लाह ये एट द एंड हम लिया करेंगे क्वेश्चन। चले जी, अभी हमारा ये था फोकस मेन कि हम देख रहे थे हीलियम 10 के थ्रू हमने किस तरह से देखना है कि एक विनिंग प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करना है। अब मिसाल के तौर पर जी, ये सारे क्राइटेरिया मैच कर गए तो इट्स मीनिंग ये मेरी विनिंग प्रोडक्ट है। अभी मैंने पता क्या करना है, अभी ये देखें ये योगा मैट है, जब मैंने इसको सेल आउट करना है ना इस प्रोडक्ट को, तो मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने ना ये ऐप की हुई है जिसका नाम है स्क्रीनशॉट ऐप, यानी स्क्रीनशॉट के लिए मैंने ये की हुई ऐप, स्क्रीनशॉट के लिए और भी बहुत सारी ऐप आ सकती हैं, और ये विंग्स लाइक इसके टूल की स्ट्रक्चर है, आपको टूल का आइकॉन नजर आ रहा है, ये मैंने किया हुआ, और इससे मैं इजी वे से यहाँ से ड्रैग करती हूँ, इस पे क्लिक करो तो ये डार्क हो जाएगा, यहाँ से मैं ड्रैग करती हूँ और ड्रैग करके यहाँ तक मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। अब मैंने स्क्रीनशॉट लेके ऑप्शन आ जाता है सेव का, सेव करके अपने जहां भी मैंने करना है, लाइक डेस्कटॉप पे करना है या जहां भी करना है, तो वो मैं करके सेव, तो फिर मैंने बाद में मोबाइल में करके, तो इन चीजों को एडिट करती हूँ। अब मैं बताना इन एक्चुअल आपको ये चाह रही हूँ कि आपने जब सेल आउट करनी है प्रोडक्ट, तो आपने कैसे करनी है, आपने ये टाइटल, ये जो प्रोडक्ट डिटेल है ना, ये भी नहीं बतानी, एसएन भी नहीं बताना, और ब्रांड भी आपने हाइड करना है। ये 3 चीजें आपने हाइड कर ली, और वो आपको आपके मोबाइल में ना, जब आप पिक्चर को ओपन करते हैं ना, तो वो एडिट का ऑप्शन आ रहा होता है, उसके जरिए ना आप इसको इजीली एडिट कर सकते हैं। और मैं वाइट पेंट करती हूँ, और वो प्रोफेशनल वे से आपकी प्रोडक्ट की इन एक्चुअल आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि वाइटनर के साथ आपने इसको हाइड करना है, इन 3 चीजों को। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, यहाँ से ना आपको ये टिप्स मैं साथ साथ ही दे रही हूँ कि बार बार जो है ना वो फिर ये, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा आपके पास, तो इजी रहेगा आपके लिए। अच्छा, आपने क्या करना है कि ये देखें सर्च वॉल्यूम जो है ना, वो आपने अगर 54 है ना, तो आगे वाला जो है ना ये आपने हाइड कर लेना है, 452 आपने हाइड कर लेना है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम पता चल जाए ना, तो प्रोडक्ट इजीली स्टील हो जाती है, तो आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि मार्केट में स्कैमर भी बहुत ज्यादा, स्कैमिंग हो रही है, सो आपने इन चीजों को बिहेवियर अपने माइंड में रखनी है, ये चीजें जो मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, योगा मैट जो कीवर्ड है ना, आप इसको भी हाइड करना है, यही तो गेम है, कीवर्ड की तो सारी गेम है भाई, कीवर्ड के तो पैसे हैं सारे, और कीवर्ड की कि अगर आप किसी को दे रहे हैं प्रोडक्ट, तो आपने नो डाउट ये सारे स्क्रीनशॉट देने हैं, लेकिन मेन काम तो उसको कीवर्ड से है ना, कि उसको पता चल गया मैंने ये प्रोडक्ट सेल आउट करनी है, इसके इतने अच्छे सारे स्टैट्स हैं, और मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा अमेजोन पे, वो इसलिए आपसे बाय करेगा, तो कीवर्ड जहां पे भी नजर आ रहा है ना, मैग्नेट भी मेन नजर आता है आपको, मैग्नेट के अलावा आपको यहाँ पे भी नजर आता है, जंगल स्काउट में कीवर्ड नजर नहीं आता,
लेकिन आपने जंगल स्कॉर्प में टाइटल को हाइड करना होता है, ब्रांड को हाइड करना होता है, दो चीजों को हाइड करना होता है. अच्छा नेक्स्ट ऑनवर्ड हम मूव करते हैं जी. मैंने बताया था ना हमने तीन जो है वो कंटेंट शेयर करने थे, लाइक एक हीलियम 10 के जरिए हम किस तरह प्रोडक्ट, एक विनिंग प्रोडक्ट को